आपकी खुशियों का कातिल तो आपके सामने खड़ा। शायद आपको ही नजर नहीं आ रहा, या फिर आप जानबूझकर देखना ही नहीं चाहती। मेरी बेटी तो पराई, उसका दुख, उसकी परेशानी सबसे अनजान रही आप। लेकिन अफान तो आपका सगा बेटा था ना, उसकी तकलीफ भी नजर नहीं आई आपको। आपके खातिर ये लोग उस घर में वापस आए थे, लेकिन आपने जरा ख्याल नहीं रखा इन लोगों का। आंटी ये हॉस्पिटल है, कुछ तो ख्याल करे, ये वक्त नहीं है इन बातों का। तुम चुप करो, मैं तुमसे मुखातिब नहीं हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है, सबकी जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की गोद उजड़ गई है। ये आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हूं मैं। इसकी वजह से मेरी बेटी की औलाद उससे छिन गई है। किसी ने अमरीन को कुछ खाने में मिला के दिया था। क्या कह रही हैं आप? आंटी आप मुझसे बड़ी हैं, मैं आपका एहतराम करती हूँ, लिहाज करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कुछ भी कहें। अच्छा, तुम जो जी चाहे करती रहो, हम बात भी नहीं कर सकते इस बारे में। जिशान आप देख रहे हैं आंटी मुझे क्या कह रही हैं। सैनब क्या हो गया आपको, क्यों इस किस्म की बातें कर रही हैं? ये कोई मौका है, कुछ तो ख्याल कीजिए। ख्याल ही तो करती आई हूँ अब तक, इसीलिए चुप रही। कभी नहीं आपके घर के अंदरूनी मामलों में मैंने मदाखलत नहीं की, लेकिन आज मेरी बेटी की औलाद छिन गई है उससे। आज मैं चुप नहीं रहूंगी। बस बस करें अम्मी, छोड़ दे, कोई फायदा नहीं। देख रहे हैं ना भाई आप, सब कुछ आपके सामने है। इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी हमने कुछ नहीं कहा। यार इस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं। तुम अम्मी को लेकर फिर जाओ, इस बारे में हम बाद में बात करें। सासों